हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? T20 विश्व कप में बड़ा उलटफेर होते होते रह गया। चोकर्स टीम की नाक कटते कटते रह गई। साउथ अफ्रीका की लाज बच गई। उधर युगांडा की टीम केवल 40 रन पर ऑल आउट हो गई। आपको T20 विश्व कप 2024 से जुड़े हर एक खबर देंगे, लेकिन पहले बात आज के मैच की करते हैं। टीम इंडिया वर्सेस कनाडा। T20 विश्व कप 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया लीग स्टेज के अपने अंतिम मुकाबले में आज कनाडा से भिड़ेगी। मैच फ्लोरिडा में लॉडर हिल के सेंट्रल बोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारत इस मैच से पहले ही सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुका है। टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में आयरलैंड को 8 विकेट से हराया था, दूसरे मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से, और तीसरे मुकाबले में मेजबान अमेरिका के खिलाफ भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। आज कनाडा को हराने के लिए टीम इंडिया तैयार है। आज के मैच में भारतीय टीम अपने प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव कर सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तान रोहित के साथ जायसवाल ओपनिंग कर सकते हैं और विराट कोहली पहले की तरह ही एंकर की भूमिका नंबर 3 पर निभा सकते हैं। वहीं रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज के स्थान पर कुलचा यानी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी मैच में नजर आ सकती है। पिछले मैच में शिवम दुबे ने अस्थि बल्लेबाजी की थी, इसलिए हो सकता है कि अब उनके जगह को टीम में खतरा ना हो। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या जो कप्तान है टीम के, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह लय में है, शानदार फॉर्म में है। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग पर भी हर किसी की नजर होगी। कनाडा की टीम भारत के लिए कोई बड़ी चुनौती पेश करेगी इसकी संभावना ना के बराबर है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों, कभी भी कि कोई भी टीम उलटफेर कर सकती है। और अमेरिका की पिच की तो बात ही अलग है। जी हाँ, शुक्रवार को इसी तरह का एक बड़ा उलटफेर होते होते रह गया। मुकाबला था साउथ अफ्रीका वर्सेस नेपाल। जी हाँ, नेपाल। इस मैच में साउथ अफ्रीकी टीम की जीत से ज्यादा बात नेपाल को मिली 1 रन से हार की हो रही है। पहले बैटिंग करते हुए अफ्रीकी टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर सिर्फ 115 रन बना पाई। सारे बड़े नाम खुश हो गए। डिकॉक, मार्करम, डेविड मिलर, हेनरी क्लासेन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इसके बाद नेपाल की टीम केवल 1 रन से मैच हार गई। अंतिम ओवर में नेपाल को जीत के लिए 8 रन की दरकार थी, लेकिन टीम 1 रन से चूक गई और एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में चोकर्स कही जाने वाली टीम साउथ अफ्रीका महज 1 रन से विजेता बन गया। एक अन्य मैच में सुपर 8 से बाहर हो चुकी न्यूजीलैंड की टीम ने युगांडा को केवल 40 रन पर ऑल आउट कर दिया और पावर प्ले में ही 9 विकेट से मुकाबला खत्म कर दिया। हालांकि इस जीत से भी कीवियों का कुछ होने वाला नहीं है। वहीं आज के मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर खालिस्तानी गैंग भी एक्टिव हो चुका है। आपको पता होगा कि कनाडा में खालिस्तान के पर कितने फैले हैं। कुछ दिनों पहले ही कनाडा और भारत के संबंध में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की मौत के चलते खटास आ गई थी, लेकिन उसके बाद पीएम मोदी की मुलाकात जस्टिन ट्रूडो के साथ हो चुकी है जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कल ही उन्होंने इटली में जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खालिस्तानी गैंग फड़फड़ा रहा है। हालांकि मैच पर इसका कुछ असर पड़ेगा इसकी संभावना ना के बराबर है। तो देखते हैं आज के मैच से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। सबसे ज्यादा नजर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर होगी, जिनका बल्ला अब तक विश्व कप में खामोश रहा है। सुपर 8 का सिलसिला कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। 19 जून से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। भारतीय टीम 3 में से 3 मैच जीत चुकी है और आज भारतीय टीम की नजर जीत का एक तरह से कहें तो चौका लगाने पर होगी। तो देखते हैं भारतीय टीम आज कनाडा को कितने बड़े अंतर से हराती है और क्या कनाडा भारत के सामने थोड़ी बहुत भी चुनौती पेश कर पाएगा, ये देखना भी रोमांचक होगा। तो फिलहाल इतना ही। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।